आंखों में खून उतर रहा था। मैंने देख लिया आज खैर नहीं, मैं भाग लिया आज। इसका क्या मतलब? चलो रास्ता दिखाओ। सीढ़ियां उतर जाइए, मुझे मत ले जाइए अंदर। चलो। नहीं नहीं हुजूर, मुझे अपने हाथ से गोली मार दीजिए, मुझे हवलात में बंद कर दीजिए, मगर मुझे अपने साथ अंदर मत ले जाइए। बेवकूफ। लाल खां तुम यहीं ठहरो इसके पास, काले खां तुम मेरे साथ आओ। तुम उसके क्रोध को नहीं जानते, मेरी मानो तो तुम भी ना जाओ अंदर। उसकी गोली कभी खाली नहीं गई, उसकी तलवार कलेजा चाट ले हुए है। मर चुके, सब मर चुके, सरदार पाइंदा खां भी मर चुके। कैसे? कौन हो तुम? जवाब दो। काले खां इसे बाहर लाओ। चलो उठो। इसको जानते हो सैयद गुल? जानता हूँ, जिंदगानी भर ये पर्वत का चौकीदार रहा, यही सब कुछ जानता। इसी ने बड़े खान को तलवारें लाके दी थी जब बाप बेटे में लैला बीवी पर झगड़ा हुआ। इसी ने लंगड़े के गोली मारी थी, इसी ने मुझे आधी रात को जगाया था, गाड़ी जो तो इसी में लट। बोल क्या कहता है, सुनता नहीं क्या? गूंगा है? हाँ ये गूंगा है, जन्म से गूंगा। सरदार बख्तियार खान घोड़ा गाड़ी में निकल गए, राशो बीवी साथ थी और वो बेहोश थे, और बड़े खान साहब ने जब घोड़े को शूशक मारे तो गाड़ी धन से निकल गई जैसे तीर कमान से निकले। फिर क्या हुआ? कौन जाने फिर क्या हुआ।
रे कैसे कहूँ मन में कितना बेकरार है, कैसे कहूँ कैसे कहूँ कैसे कहूँ और तुमसे कितना प्यार है। रात आई काम गंजर बांध, रात आई आई कांद, रात आई रात आई पाम गंजर बांध, रात आई आई कांद, रात आई सुन रे दिया अर्ज मरे, सुन रे दिया अर्ज मरे, आशा मरे नच, आशा मरे नच, नाचे जुमर घटियाली मर घटियाली चपक चपक चांद नाव बजी जाए, के चांद नाव बजी जाए, रे डगमग डोले जीवन नाव, आए रे डगमग डोले जीवन नाव। रशु हाथ तो छोड़ो चाचा, देख रहे अब बजान मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा इंतजार? वो तो अपनी बिल्ली से खेल रहे होंगे या लैला की देखभाल कर रहे होंगे। बिल्ली और लैला, लैला और बिल्ली दो ही तो चीजें हैं उस घर में। ले मेरी जान। बख्तू तो नहीं आया अभी? नहीं बीबी जी। फिर कहीं चले गए चाय के वक्त? लाली परेशान क्यों हो? लाली परेशान तो नहीं जी, उन्हें देख रही थी। मत परवाह क्या करो उसकी। क्या कहती? चलो चाय पी मिलकर हम दोनों। भाई बहुत खूब लाली। सच? आपको पसंद आई? बहुत, और क्यों ना हो, आखिर किस बाप की बेटी हो। अब्दुल्ला मरहूम भी गजब के आर्टिस्ट थे, बचपन के दोस्त थे, अफसोस साथ छोड़ गए। जी बुरा नहीं करते लाली, तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ? कोई कमी नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ बड़े खान साहब। हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, हमारी जिंदगी का मकसद तुम्हारी खुशी है लाली। आप कितने मेहरबान हैं, आपके एहसाना। ये मत कहा करो लाली, कभी नहीं। सुना, ये तस्वीर किसकी है? लाना जरा। जी जी, यही एक तस्वीर थी भैया की, हलीमा के पास रखी थी बेकार। कौन भैया? तुम्हारा कोई भाई नहीं था लाली, वो एक ओबाश लड़का था जो तुम्हें और अपने बाप को छोड़कर घर से भाग गया। हैरत है तुम अब तक उसे याद करती हो, मेरे पास रहकर भी। याद नहीं करती जी, मैं नहीं करती याद, कभी नहीं। देखो मुझे ये हैवानों की रहस्य बिल्कुल पसंद नहीं, राशों को पसंद हो तो हो, इसलिए कि वो खुद ऐसी है। कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर शेव का सामान साफ नहीं हुआ तो थप्पड़ लगाऊंगी। बुक रखने के लिए बुक शेल्फ है और कपड़े रखने के लिए कपड़ों की अलमारी। अगर मैं तुम्हारी चीजें ना रखूं तो कौन ठीक करेगा? मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। ये चीजें किसने छेड़ी?
जी मैंने सफाई की थी। मैंने कितनी मरतबा कहा है मेरे कमरे की सफाई मत किया करो, आ गया। जी नहीं, चीजें नहीं संभाली मैंने, सिर्फ गर्दा झाड़ा था। राशो आई थी? जी नहीं। लैला? जी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या बोले? बस यही कि कुछ समझ में नहीं आता, शेरा कहता था। कौन समझाए उसे, कैसे समझाए कोई, हालांकि वो मुझे जग में सबसे प्यारा है। नहीं रहने दो, समझते क्यों नहीं। चलो बख्तू, जरा मश्क कर लो।
नहीं अब्बा छोड़िए, आज खानदानी रिवायत को नहीं छोड़ा जा सकता। मगर अब्बा मुझे वहाँ वो हॉकी खेलने जाना है। हाँ हाँ चले जाना, लो पकड़ो। हाँ बेटा पैतर बनाओ, शाबाश। हाँ हाँ क्या कर रहे हो बेटे? अब्बा जानी मेरा मूड नहीं है, मुझे हॉकी खेलने जाना है। कोई बात नहीं चलो। हाँ रुको, अब बहुत सख्त वार कर रहे हैं आप। तुम जैसे नौजवानों से नहीं होगा। हाँ भाई जवान खून है माशाल्लाह, हम बूढ़े हो गए। मान गए बख्तू, मान गए, बड़े खान साहब को हरा दिया, बिल्कुल शिकस्त दे दी। और गौर से देखो, दिल की आंखें खोल के देखो, अंतर मंतर तली तलंतर। क्या हो रहा है चाची? तुम्हारे चचा फाइल निकाल रहे थे। कैसे फाइल निकाल रहे थे अब्बा जान? मैं देख रहा था कि तुम्हारी, मेरा मतलब है कि साफ क्यों नहीं कहते जी कि राशो की शादी कब होगी? इससे कौन शादी करेगा? मेरी बात छोड़ो, अपनी फिक्र करो। चाचा जान हमारी भी किस्मत का हाल बता दीजिए ना। अच्छा अब तुम सब अपनी किस्मत के पत्ते उठाओ। पहले मैं उठाऊं चाचा? नहीं पहले राशो उठाएगी। उठाओ। पान की बेगम। मैं उठाऊं? नहीं देखो हुकुम का एक का चाचा वही रख दू। हुकुम का बादशाह। हाँ आप, आपको तो हराया चाची। चिड़िया का गुलाम। चाचा इंसल्ट हो गई। जो इन पत्तों पे है वही तुम इस जादू की तश्तरी में देखोगे। नौ दुर्गा चंडिका सहरे बंगाला आगे आने वाला। Thank you.
नीला पर्वत की छत गिर गई और तूने हमें अब बताया है। तुमगे मुझे तो रोना आ रहा है सच्ची। चलो छोड़ो। शेरे शेरे, देखना गूंगे को कोई तकलीफ ना हो, उसका ख्याल रखना। पहले तो मार मार के अधुआ कर दिया, फिर कहते हैं उसे कोई तकलीफ ना हो। हमेशा इसी तरह करते हैं पागलों की सी हरकतें। क्या रखा है उस खंडर में, आज नहीं गिरता कल गिरता। चाचा से न के बैठना खंडर, बेरम खां की हवेली है, हम उसकी औलाद जो ठहरे। ये गूंगा है कौन? नीला पर्वत का चौकीदार है, बेहद वफादार। ऐसा भी क्या? खैर अब चलो कादर मामा की। कादर मामा? अरे मेरे म्यूजिक के उस्ताद। क्यों? कुछ नहीं कादर मामा, सोच रहा हूं। मुझे आए हुए महीना हो चला मगर मेरी लैला बहन का अभी तक कोई पता नहीं। मेरी सरकार चाहे तो अभी मिल जाए, अभी बहन भाई से आन मिले। अस्सलाम वालेकुम कादिर मामा। वालेकुम सलाम बेटी। ओ प्रोफेसर साहब। जी मैं भी यहीं रहता हूँ, आइए तशरीफ रखिए। गो मेरा घर इस काबिल तो नहीं। ये मेरी बहन है कादिर मामा। माशाल्लाह। आदा जी। फिर ये मेरा प्रोफेसर है, एमए नियाजी, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मगर बहुत चार्मिंग आदमी है ईमान से। आप तशरीफ तो रखिए। आइए आइए। लो भाई बेटी शिमी भी आ गई। कौन हो तुम? चोर हो? कौन हो तुम? चोरी करने आया था। मगर शक्ल से तो तुम चोर नहीं लगते। ये तस्वीर तुमने कहां से उड़ाई? लैला के कमरे से। कहां है लैला? खुदा के लिए मुझे लैला से मिला दो। मेरी बिछड़ी हुई बहन लैला। अब्बा, तुमने तो नहीं सुनी उसकी चीख। किसकी चीख? तो तुमने नहीं सुनी? आप नींद में चल रहे थे अब्बा, आपकी तबीयत खराब है। हाँ मेरी तबीयत खराब, बहुत खराब है। बेटे अब कैसी तबीयत है? हाँ अच्छी है तबीयत भाई, जब बुढ़ापा आता है तो 100 बीमारियां साथ लाता है बख्तू। इसका बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं है अब्बा, नींद में चलना एक नफसियाती बीमारी है, जिसकी कोई दबी हुई आरजू हो
वो चलता है नींद में अपनी दबी हुई आरजू की तरफ। हमारी तो कोई दबी हुई आरजू नहीं। बख्तू जाकर स्वेटर पहन लो, देखो कितने गजब की सर्दी है। जी बहुत अच्छा। और हाँ मेरा हीटर भिजवा देना। मेरी तो कोई दबी हुई आरजू नहीं। जो बात देखो उल्टी, भला नहाने के बाद भी कोई शेव किया करता। तुम्हें तो उल्टी बातें करने वालों में मरती हो। अरे तुम जैसे बैल पर कौन मरता है, हम तो तुम्हें चचा का लड़का समझकर बात कर लेते हैं। छोड़ो छोड़ो प्यारे, छोड़ो जानी, छोड़ो छोड़ो ना। कादर मामा आदाब। आ बेटी,
पीरियड खाली था, हमने सोचा चलो कादर मामा से मिलिए। अच्छा आओ बैठ। क्या हाल है तुम्हारी बहन का? दरअसल वो मेरी बहन नहीं है। अच्छा? वो मेरे चाचा के एक दोस्त की लड़की है जो अफ्रीका में रहता था। पिछले साल जब उसका इंतकाल हुआ तो वो लड़की मेरे चाचा को सौंप दी गई। यही है बुल्ला। तो क्या इसका और कोई रिश्तेदार नहीं था? था तो एक भाई। वो कहाँ है? कुछ पता नहीं, शायद मर चुका हो। लैला का बाप बड़ा जालिम था कादर मामा। किसी बात पर उसने लड़के को इतना मारा कि उसका पैर टूट गया और वो बचपन ही में घर से भाग गया। लैला को तो उसकी शक्ल भी याद नहीं। मेरे मियाँ के रंग, वो चाहे तो आंखें देकर भी अंधा रखे। क्या मतलब? लैला के बाप का नाम अब्दुल्ला नियाजी था। उसकी मौत के वक्त उसका दोस्त पाइंदा खान भी अफ्रीका में मौजूद था। पाइंदा खान तो मेरे चाचा हैं। पाइंदा खान से उसने मरते वक्त ऐद लिया था कि वो मंसूर को घर में घुसने ना दे, आए तो उसे धक्के मार के निकाल दे। मंसूर कौन? मंसूर घर से भागकर अमेरिका चला गया। वहाँ उसने बर्तन धोए, फर्श खुर्चे और आला तालीम हासिल की। फिर वो यहाँ आया अपनी बहन की तलाश में। लैला के भैया प्रोफेसर अहमद नियाजी यानी मंसूर अहमद नियाजी। अपने प्रोफेसर अहमद नियाजी? या अल्लाह मेरी तौबा। खाना तो खा लो। खाया नहीं जाता कादिर मामा, अभी न जाऊं लैला के यहाँ? आशु बीबी ने शाम ही को बुलाया था। अच्छा, जब मैंने घर छोड़ा था तो लैला बड़ी भोली थी कादिर मामा। चार साल की थी मगर कंघे लिए मेरे पीछे फिरा करती थी। बेवकूफ। भाइयों की मोहब्बत में बहनें बेवकूफी हुआ करती हैं। हाँ, सोचता हूँ कादिर मामा आज जाऊं तो साथ एक कंघे ले जाऊं। मेरे बाल तो आज तक किसी ने नहीं सुलझा है। उसे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। चूड़ियां भी ले जाऊं कादिर मामा? जाने उसे कौन सा रंग पसंद है, सभी रंगों की ले जाऊं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ कादिर मामा, ये पाइंदा खान तो बहुत ही उम्दा आदमी है। तुम मुझसे नहीं मिल सकती लाली। वो मेरे भैया है, मेरे माँ जाए, मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकती? चाचा जान। आप क्या कह रहे हैं अब्बा? तुम चुप रहो बख्तू। वो एक ओबाश लड़का है, वो तुम्हारा भाई नहीं था लाली। वो तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़कर भाग गया और तमाम उम्र अपनी अय्याशियों में मशगूल रहा। अच्छा, बाहर कुछ हाजतमंद खड़े हैं मेरे इंतजार में। तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ? सरदार पाइंदा खान साहब से मिलना है। तुम कौन हो? जी मेरा नाम प्रोफेसर एम ए नियाजी है। तुम कोई भी हो, मैं किसी लंगड़े को अपने घर के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्राइवर, इसे धक्के देकर निकालो। आई बेग यू पार्डन, मेरी बात तो सुनिए जनाब। धक्के देकर निकाल दो, तू तेरे बाहर निकाल दे। दुखी हूँ लैला, तुम्हें अपने भाई से मिलना चाहिए। जी, मगर बड़े खान साहब। तुम उनकी परवाह बिल्कुल मत करो। तुम्हें अपने भाई से प्यार नहीं? जान से प्यारे हैं भैया, मगर मगर तुम्हें मेरा कुछ ख्याल नहीं, सिर्फ अब्बा की परवाह है। ये बात नहीं जी, मुझे जिंदगी में सिर्फ दो आदमियों की परवाह है, एक भैया की और। फिर तो हमारे तुम्हारे लिए परेशान होना बेकार है लैला। नहीं
नहीं जी, ये मतलब नहीं। मैं नहीं समझता था कि हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं। दूर? बिल्कुल नहीं जी, बल्कि सुनिए तो, वाकई बहुत दूर हो तो। अरे अभी सब कुछ दिखाता हूँ, ये देखो। ये देखो, ये है साड़ी। बड़ी प्यारी है, सादा और दिलकश, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसमें क्या था? इसमें इसमें है। अच्छा आंखें बंद करो। नहीं नहीं आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो। आंखें नहीं खोलना। हाँ देखो आगे नहीं खोलना। ये देखो। हाय कितना प्यारा है। कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो लाली जी, कितनी जल्दी खुश हो जाती हो। पैर टूट गया, लंगड़ा हो गया, फेंक दो इसे। हाय छोड़ो लाली, लंगड़ा हो गया था। मुझे अच्छा लगता था इसका लंगड़ा पैर। हम नहीं चाहते कि तुम उस गैर जिम्मेदार लड़के से मिलो। तुम्हारे भले की खातिर नहीं चाहते लाली, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं चाहते। आप मेरा भला चाहते हैं? क्यों? मुझे मोहब्बत की जंजीरें पिना रखी है। किस लिए? किस लिए मुझे संदेह कुएं में डाल रखा है? क्यों क्यों? किस लिए? किस लिए? क्यों मैंने उसे मोहब्बत की जंजीरें पहना रखी हैं? किस लिए? मुझे क्या पता किस लिए। तू बोल गुड्डी, तुझे पता होगा। नहीं, किसी को पता नहीं। मेरा भला क्या है? मेरा भला अंधा कुआ। तुम? ये तुम्हें क्या हो गया है लाली? मैं डर गई।
मैं फिर डर गई बड़े खान साहब। मुझे कादर, वो अंधा कुआं। ये तुम्हारा घर है और यहाँ सिर्फ मोहब्बत है तुम्हारे लिए। आदाब कादर मामा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। भाई कमाल कर दिया छिमी। अरे ये प्रोफेसर साहब किधर चले गए? शायद चाय लेने गए हूँ। राशा तुमने तो कहा था ये बहुत चार्मिंग आदमी है, इन्होंने तो इतना अच्छा नाच भी नहीं देखा। मैं जरा बदनसीब वाकई हुआ हूँ मिस खान, जिंदगी की तमाम नेमतों से हमेशा महरूम रहा हूँ, मगर चाय अच्छी बनाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। आपने नाहक तकलीफ उठाई, आपके पैर को क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक हादसा हो गया था बचपन में। छोड़ो लैला। लैला जी? कुछ नहीं, आपका नाम लैला है क्या? जी क्यों? इस नाम का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। माफ कीजिएगा मिस खान। पागल हो गई है, अरे भागो की डूब जाएगी। अरे ठहरे जरा, अरे पागल, अरे अरे कोई सुन लेगा। इंजेक्शन रोजाना, दिमागी सुकून।
बेहोशी की दवाइयां, बेहोशी भी कितनी बड़ी नेमत है। बेहोशी में आदमी नहीं चलता अपनी दबी हुई आरजू की तरफ। मेरी कोई दबी हुई आरजू नहीं। खान साहब,
आज बहुत सोए आप, मजे की नींद सोए। हाँ लाली, मगर तुम क्यों आई यहाँ? जी चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। ठहरो, तुम अपने भाई को मिल सकती हो जब चाहो लाली। चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। आओ बख्तू। अब्बा मेरी समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। अच्छा है ना समझो तुम, मैंने रात बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें लाली को हर हाल में खुश रखना चाहिए। बेशक अब्बा, इसीलिए मैंने उसे भाई से मिलने की इजाजत दे दी है और मैंने फैसला किया है कि अपने तमाम फरीजे पूरे कर लूं और फिर हज को चला जाऊं सच्चे मौला के हुजूर में। और मैंने यह भी फैसला किया है कि तुम्हारी निस्बत तय कर दूं। घर की बेटी है माशाल्लाह। कौन घर की बेटी है अब्बा? क्या मतलब, घर की बेटी को नहीं जानते? अंधे हो या वैसे बेहयाई पर उतर आए हो? बेहयाई की बात नहीं है अब्बा, मोहब्बत के बगैर शादी एक रोग है, मैं नहीं मानता। क्या है मोहब्बत? बेचारगी, शिकस्त, जिल्लत, क्या मोहब्बत खुद एक रोग नहीं? मोहब्बत, ये तुम्हारे मानने न मानने की बात नहीं, ये मेरे मानने की बात है। इस खानदान के बच्चे सादतमंद होते हैं बख्तू। मैं तो कुछ खा के सो रहूंगी बख्तू। क्या समझती हो तुम, कमजोर समझती हो मुझे? कह दिया है कि कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता और खबरदार जो आईंदा तुमने टक्के बहाए। गधी हो खुदा की। चलो मुझे बाहर ले चलो। अरे तुम ठहरो तो सही। ओहो, कभी
वादियों में बख्तू जहाँ हरी हरी घास होती है, फूल खिलते हैं, आबशारें गुनगुनाती हैं बख्तू, मुझे वहां ले चलो जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। एक गलियां हो जान सुनजिया। बख्तू ये क्या बदतमीजी है भाई? साहिबा कहती है कि ये गलियां सुनसान हो जाएं और उनमें सिर्फ मिर्जा यार फिरे। तुम भी तो यही कहती हो ना? सारा मूड ही खराब करती हूँ। अच्छा तो चलो भाग चलो। तुम जैसे नाकारों के साथ। नाकारा ही सही, तुम कमा कर लाना, मैं बर्तन मांजा करूंगा। मुंह तो कभी धोया नहीं, बर्तन क्या मांजोगे? मुँह भी तुम्हें धुला दिया करना। ये तो अपनी लैला से कहना। अरे अरे औरत पर रकाबत खत्म है। लैला को मैं अपनी बहन की तरह समझता हूँ। लेकिन वो तो तुम्हें भाई नहीं समझती। मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन मेरा दिल तो डरता है ना बख्तो, अगर ऐसा हो। तुम तो मेरे खून में रची हुई हो राजू, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। या अल्लाह बख्तू, तुम तो बिल्कुल बेहोश हो। या अल्लाह ये कैसा बुखार है? इसीलिए तो मैं आई हूं कि तुम बेहोश हो। आज मैं तुमसे खूब बातें करूंगी, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मेरा हाथ लगते ही तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, मगर मेरे दिल में जो आग भड़क रही है वो कैसे ठंडी होगी बख्तू? मुझसे कभी दिल की बातें नहीं करते, शायद मेरा दिल तोड़कर खुश होते हो। तोड़ लो, मगर कब तक? अब तो तुम मेरे हो चुके हो। बेवकूफ मत बनो लैला, दिल विल की बात छोड़ो। क्यों छोड़ूं? मेरा दिल कोई मिट्टी का बना हुआ है? जवाब तो दो, आंखें तो उठाओ जरा। तुम बेकार वक्त बह कर रही हो लैला। वक्त? जब मैंने जिंदगी तुम्हारे कदमों में डाल दी है तो वक्त क्या है बख्तू? तुमने वो सिलते भी नहीं गिने जो छुप छुप कर मैंने तुम्हारी चौखट पर सजाए हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं लैला, इन फजूल बातों का क्या जवाब हो सकता है? बात तो सुनो बख्तू, बात तो सुनो। मतलब यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यही मतलब है ना तुम्हारा? बोलो। अच्छा तुम मुझसे प्यार ना करो, मगर मुझे अपने करीब रहने दो, मुझे वो हवा के झोंके अपने गालों से मल लेने दो जिसमें तुम सांस लेते हो। देखो मैं जिंदगी से कुछ नहीं मांगती, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते?
समझाऊं, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, मुझको भी समझाता जा, ओ दिल तोड़ के जाने वाले, की सीटें बुक करा दी हैं भाईजान ने हवाई जहाज से, सामान पहले जीप में चला जाएगा। राशो सुबह सवेरे पहुंचा देना सामान। ताया शुजात खान भी वहां होंगे, उनका टेलीग्राम आ गया है। अब बंद करो ये मजलिस। बड़े ताया जान के सामने तो बोल नहीं सकते चाची जान। कुछ भी हो, अब कैसे अब्बा का मंशा पूरा नहीं होगा, ये मेरा फैसला है चाची। मैं उनकी जिद तोड़ दूंगा, जिद तोड़ दूंगा, मैं उनकी जिद तोड़ दूंगा, मैं उनकी जिद तोड़ दूंगा। Happy birthday to you, Happy birthday to you। और अब जबकि ये मुबारक तकरीब अंजाम पा चुकी है, मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अहम फरीजा अदा करना है। बख्तियार खान माशाल्लाह जवान है, ताया शुजात खान की मौजूदगी बाइस खैर बरकत है। मैं चाहता हूं कि इनकी मौजूदगी में बख्तू की नस्बत तय कर दूं। लड़की में तमाम खूबियां मौजूद हैं और सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो घर की बेटी है। मुझे आपका इंतखाब मंजूर नहीं है अब्बा, निस्बत मेरी मर्जी से होना चाहिए। ताया जान मैं आपके सामने अपना शरई और कानूनी। बख्तो, बच्चों को इन मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। तुम्हें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए लड़के। मैं बोलने पर मजबूर हूँ ताया जान। बदतमीज, जबान खींच लूंगा। सबसे काम लो पाइंदा खान, बख्तियार सादतमंद बच्चा है। बेअदब और नाशुकरा है। तुम निस्बत का ऐलान करो। बहू बनने से पहले लड़की मेरी बेटी है, कौन है जो मेरी बेटी को मुस्तरद करे? मैं सर काट कर फेंक दूंगा। राशिदा बीबी, घर की बहारें तेरे आंचल में सजा रहा हूँ राशिदा बीबी, तू ही मेरे घर की बेटी है।
तेरी कोख से मेरे बाप की नस्ल चलेगी। मगर अब्बा, मत बोल लड़के। तायजन, मैं अब्बा के सामने बोल सकता हूँ भला, मेरी क्या मजाल है? हम कुछ और समझे थे। क्या समझे थे? लैला भी तो घर की बेटी है। लैला अब्दुल्ला नियाजी की बेटी है। लैला मेरी बेटी नहीं हो सकती, बेवकूफ। भाईजान, पहाड़ पे आया हूँ, जरा जान बना रहा हूँ। तुम्हारा बचपना ना गया मुसाफिर भाई, आज मेरा जी बहुत खुश है। आज तो जो कोई मांगे सो दूं। बख्तू बेटे, सेब खाओ। बस अब्बा। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जवान है, मेरे पोते इज्जत खान की तरह। इज्जत खान भी होनहार बच्चा है। मैं उसी के बारे में सोच रहा था पाइंदा खान। खुशतमीज है। खुश तमीज है, खुश मिजाज है, खुश बख्त है। जिस घर में हो उस घर का चिराग है। लड़कियां सब घर का चिराग ही होती है पाइंदा खान। तुमने कहा था जो मांगो सो मिलेगा। हुक्म तो दीजिए ताया जान। मेरे सफेद बालों को मिट्टी में न रोलना। खुदा ना खास्ता, कलेजा निकाल कर रख दूं। लैला तुम्हारे मरहूम दोस्त की बेटी है, अब यह हमारी ही बेटी है। मेरा पोता बाइज्जत है, दो गांव का मालिक है। मैं इज्जत खान के लिए तेरे आगे झोली फैलाता हूं। लैला को मेरी झोली में डाल दे। देख, तेरा बुजुर्ग तेरे आगे झोली फैलाए बैठा। हाँ कह दे बेटा। ताया जान, लैला अभी ना समझ है, और फिर इससे पूछे बगैर। लैला 20 बरस की हो गई, समझदार और सुगर है, और तूने आज ही कहा था कि बच्चों को शादी के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तुझे हक है कि तू इनकार कर दे, मगर ये बता कि इज्जत खान में क्या कमी है। इज्जत खान में कोई कमी नहीं ताया जान। तूने बेवजह मेरी तौहीन का हौसला किया। बोल, क्या मतलब है तेरा? कुछ मतलब तो नहीं ताया जान। दरअसल हम लैला के कानूनी वारिस नहीं हैं। हाँ
अब तू लैला का कानूनी वारिस नहीं रहा है? मैं गुजारिश करता हूँ कि सरदार साहब को लैला का रिश्ता कबूल करने का पूरा इख्तियार है। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे? क्या वो लैला का कानूनी वारिस नहीं है? नहीं, अगर ये बात है तो मैं अपना हक मांगता हूँ। ताया जान, मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। लैला अब आप ही की बच्ची है। मैं तेरा खून पीऊंगी। ये लड़की बेहोश हो गई। मेरा दिल चीर कर देखो लाली, मेरी सारी कायनात एक अंधेरा जंगल है। इस जंगल में एक मेरा दिल है जिस पर तुम्हारी आरजू छुप छुप कर नेजे मारती रही। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो लाली। कहाँ ले गया? पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। इसके पीछे मत जा, वो बिना परवाह जा रहा है। बख्तू, रुक जा, बख्तू, रुक जा। खुदा के लिए रुक जा, ना जा बख्तू, ना जा। खुदा के लिए ना जा बख्तू, रुक जा। बख्तू, रास्ता खतरनाक था मगर माशाल्लाह। लैला को मेरे हवाले कर दो, बस। हम अभी चले जाएंगे। मेरी बहन मुझे दे दो, फौरन, इसी वक्त। तुम अपने बाप से बात कर रहे हो बख्तियार खान,
मत भूलो कि मेरे घर में तहजीब का एक मैार है। तुम मेरे बाप नहीं, मेरे माथे पे कलंक का टीका। तुम्हारी गंदगी ने दुनिया के सामने मेरी नजरें झुका दी। आज मेरी माँ जन्नत में शर्मसार होगी। तुम मेरे खानदान की नामूस का कौन हो? तुम्हारे कान सुन सकते हैं तो सुनो, इस हवेली की एक एक कीड़ तुम पर लानत भेज रही है। लानत, लानत। तुम मेरी सारी उम्र की कमाई है, मेरी सारी कायनात है मेरे लाल। तूने जो कुछ देखा है उसके पेशे नजर तेरा गुस्सा बजा है, मगर तेरी बहादुरी और गैरत से बईद नहीं कि तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरा बाप हूं, मगर मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, और अगर तू मुझे माफ न कर सके तो भी मुझे कोई गिला नहीं होगा। तू लैला को लेने आया है, वो थोड़ी देर में आजाद होगी। थोड़ी देर बाद नहीं, अभी इसी वक्त। मेरी बात तो सुन, एक मिनट भी नहीं। अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं थे। तो सुन देते, मेरे कुछ फरीजे बाकी हैं बख्तू, उनको पूरा हो लेने दो। कौन से फरीजे? वरना तुम लाली तक नहीं पहुंच सकते। ठहरो, जब तक जद्दे अमजद की देख में आप बाकी है, इन बूढ़ी रगों में भी हरारत की कमी नहीं। ये तेग जद्दे अमजद बैरम खान की यादगार है, आंखों से लगाने के लायक। और ये मर्दूद ह्यूमी बकाल की, जिसे खान आजम ने बदस्त खास जहन्नम वासिल किया। लानतुल्लाह अलल कासिमीन। इस पर हमेशा असील का पंजा रहा है, तुम्हारे जवान हाथ के काबिल। तुर्की में दाएं पहलू से हमला करते हैं बेटे। तुम तो लट चला रहे हो, इस तरह तो हरी साथ चलेगा। बच्चे बच्चे हो बख्तियार, मगर हाँप रहे हो यार। के लिए दो गवाहों की जरूरत है। इसका निकाह सीधी तरह लैला को वापस करो। इसको लाओ। लैला की वापसी की यही शर्त है।
इसका क्या सबूत है कि निकाह के बाद तुम लैला को वापस कर दोगे? निकाह के बाद वो अपनी मर्जी की मुख्तार होगी, जहां चाहे चली जाए। वादा करो। ये एक मर्द का वादा है, और अब अगर तुम्हें मंजूर हो तो ये बूढ़ा खरगोश निकाह पढ़ाए। हमने अपनी सारी जायदाद राशिदा बीबी को जहेज में दी, बख्तियार खान को आफ किया, क्योंकि हमें उसके जोरे बाजू पर भरोसा है, और यही राशिदा बीबी का हक महर है। हमने फैसला किया इरशाद इलाही और सुन्नत नबवी की पैरवी में मैं आपका निकाह राशिदा बीबी से पढ़ाता हूँ। इजाजत है सरदार बख्तियार खान? इजाजत है। इजाजत है राशिदा बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार बख्तियार खान, क्या आपने राशिदा बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। सरदार बख्तियार खान, क्या आपने राशिदा बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। सरदार बख्तियार खान, क्या तुमने राशिदा बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फरीजा भी पूरा हुआ। मुझे मुबारकबाद दो सब लोग। सब हजार मुबारक हो खान साहब। और तुम लंगड़े? मुबारक हो खान साहब। अब मुझे लैला से मिलने दो। अपना वादा पूरा करो। बहुत खुदगर्ज है ये लंगड़ा भाई, दूल्हा दुल्हन को रुख्सत तो हो लेने दो। क्या मतलब? अपने वादे से फिर रहे हो झूठे। मुझे मार डाल, खुदा के लिए मार डाल। गुंगे। गाड़ी तैयार है? ये नामुमकिन है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे खून के कतरे मुकद्दस हैं बख्तियार खान। अभी आपने मेरी मांग से सिंदूर भरा था, रहम कीजिए। रहम का नाम तुम्हारे पर मत लाओ। बेवकूफ लड़की, भोली लड़की, घबरा मत। मेरे बाग में एक ही फूल था जिसे मैंने तेरे सर में सजा दिया। मगर इसे ले जा, फौरन ले जा इसे। तुम्हें जाना होगा बख्तू। जिगर के टुकड़े, चला जा यहां से मेरे बेटे, निकल जा यहां से। मुझे
तेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरे नामूस को आलूदा नहीं किया, मगर शायद तुझे इसका यकीन ना आएगा, वो बाप दुनिया का सबसे बदनसीब शख्स है जो अपनी जवान औलाद के लिए बाई से शर्म हो। इस बदनसीबी, इस बेबसी को तू नहीं समझ सकता। काश तू अपने बाप के दिल में एक बार झांक कर देख सकता बेटे। तेरा गाल तेरे खून से सुर्ख है, काश ये खून मेरी आंखों से निकलता। सैदगुल, सैदगुल, हम सबको जाना है कादिर, बहुत दूर। क्या मतलब? जाने वालों के रास्ते मुकर्रर हैं और मंजिलें भी। तुम कादिर मानो को गोली मार दोगे, किस खता में? कादिर मामा की कोई खता नहीं, खता मेरी है। मैं एक नीच आदमी हूं, नंगे इंसानियत, और कादिर मेरी जिल्लत का चश्मदीद गवाह है। इसलिए मैं तैयार हूं, मैं क़िबला रू हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कादिर मामा, कादिर मामा, मार दिया तुमने कादिर मामा को, मार दिया, जालिम, दरिंदे, वैशी। मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं तेरी बोटियां नोच लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक बोले आदमी पर गुस्सा करते हो, कमजोर आदमी पर गुस्सा करते हो, डरपोक आदमी पर गुस्सा करते हो, मजलूम पर रहम नहीं खाते, बड़े संग दिल हो। लो मेरा मुंह नोचो, मुझ पर थूको। मगर तुम कुछ नहीं कर सकते, खौफ ने तुम्हें भी खोखला कर दिया है। आओ मैं तुम्हें इस खोखली जिंदगी से निजात दिला दूं।
हसरत का तमाशा देख रहे हो। अच्छा अच्छा आओ मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊं। उस ख्वाहिश के खिलाफ जो मुझे तुम्हारी तरफ उकसाती थी, तुम्हारी मोहब्बत के दिए मेरी रग रग में रोशन रहे। तुमने मेरी जिंदगी का हर लम्हा रोशन किया है लाली। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे रास्ता न मिला। मेरी रूह की तारीकी ने मुझे अंधा कर दिया। काश कि मैं मर चुका होता लाली, और कब्र की शफकत मेरी रूसियाही को छुपा लेती। अब मेरी जिल्लत से सारी दुनिया वाकिफ है। तुम भी जान गई हो लाली, तुम भी देख रही हो लाली, तुम देख रही हो मेरी तरफ। नहीं नहीं इधर मत देखो, तुम देख रही हो लाली मैं कितना जलील हूं। उमंग पैदा होती है। हाथों से क्यों बहे?
पाइंदा खान को क्या से क्या करते जो अपने वकार के लिए जीता था, आज राह का ढेर है। और पतंगे की इंतहा क्या है, मुझे मेरे बुजुर्गों की रूहें बुला रही है। लाली अलविदा। Enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket, and store it vertically away from heat and strong magnetic field.
Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.